आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। किसी को अल्लाह का दरबार नजर आता है, बाकी जन्नत का वो हकदार नजर आंखों में बस के दिल में समा के चले गए। आंखों में बस के दिल में समा कर चले गए। खाबिदा जिंदगी थी जगा कर चले गए। सुभान अल्लाह। आप हजरात जाने की कोशिश नहीं करें क्योंकि फिर दिल भाई आपके सामने आने वाले हैं। आप हजरात जाने का माहौल न बना। अभी कुछ नहीं हुआ, शुरुआत हुआ। अभी दिल भाई का बेहतरीन शायर अभी सुने नहीं है, सुन जाएंगे खुदा की कसम मचल जाएंगे आप। ये तो सिर्फ आपको झलक दिखला है। हजरात आइए, अब मैं असल मकसद की तरफ रवा और दवा होना चाहता हूँ और ऐसे मुकर्रर को मैं दावत स्टेज देने जा रहा हूँ जिनसे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना रज़ाउर रहमान साहब दामत बरकतहू को मैं दावत स्टेज देता हूँ कि आए और अपने नासिहाना बयानात से हम तमाम सामाईन को महजूज फरमाए। जनाब हजरत मौलाना रज़ाउर रहमान साहब दामत बरकतहू। बिल खैर आबादी के नाम सुनकर अपनी नींद को खराब करके अपनी नींद को अपने शरीरों से जिस्मों से हटाकर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाए हैं। जो इधर उधर जाल बढ़ाए कर वो पंडाल के सामने आ जाए। हजरत ये प्रोग्राम हजरत हाफिज आजाद साहब के शादी मुबारक के मौके से रखा गया है। मुख्तसर तौर पर हम शादी के फजीलत को समझें और फिर हमारे मुआशरे और हमारे समाज में हम मुसलमान होने के नाते और ताल्लुक से हमारा आना क्या हो रहा है। ये शादी और ये निकाह ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और ये बड़ी अहमियत और बड़ी कीमती इबादत भी है। सबसे इस निकाह और शादी को हम और आप इस तरह समझें, ये निकाह और शादी करने की फजीलत और बरकत इतनी है कि अगर कोई इंसान अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह का कोई दुलारा और प्यारा रात भर अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत में गुजार दे, रात भर अपनी अपने सर को सजदे में रख कर पूरी रात को गुजार दे और वो शादी करने को पसंद ना करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके इस रात भर सजदा करने को पसंद नहीं फरमाता लेकिन शादी करने को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद फरमाता। ये देखिए ये शादी की फजीलत और निकाह की बरकत कितनी है कि हम रात भर अल्लाह की इबादत करते हैं, सजदा रेज है, अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाए हुए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस सजदे को कबूल नहीं करता है, हमारे उस निकाह को कबूल करता है, निकाह करने को पसंद फरमा रहा है।
लेकिन रात भर सर को सजदे में अल्लाह के लिए झुकाने को नहीं पसंद करता है। इस फजीलत और बरकत से हम निकाह की फजीलत को समझें और जाने। मेरे मोहतरम, निकाह शरीयते मुहम्मदी में, शरीयते इस्लाम में बहुत आसान, बहुत बिल्कुल सहल अहकाम है, हुक्म है। लेकिन आज हमारे गुनाह की गंदगियों ने, हमारे ईमान की कमजोरियों ने, हमारे बदामाल की नहुसतों ने आज निकाह को बहुत ही भारी और बहुत ही मुश्किल बना दिया। और जब ये निकाह और शादी मुश्किल हमारे अमलों के नतीजे में होगा तो याद रखें, बुराइयां हमारी नस्लों में, हमारे समाज में, हमारी कौम मिल्लत में नसे नस फूट फूट के भर जाएगी। और जब हम बुराइयों में फंस जाएंगे, जब बुराइयों में हम लग जाएंगे, जब हमारी कौम, हमारी नस्ल बुराई करने लगेगी, बुराई में मुलव्वस हो जाएगी, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत उतरनी बंद हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब उतरना शुरू हो जाएगा। आज इस चोरी की सरजमीन की बात को ले लीजिए, बारिश ही को ले लीजिए अपने सामने में। किसान हजरात बड़ी दिन से तरस में पड़े हुए हैं, बारिश की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं पड़ती। घटा लगता है लेकिन बारिश नहीं उतरती। जमीन पर बारिश नहीं हो रही है, जमीन बारिश की तलाश में है, किसान बारिश की चाहत में है, लेकिन बारिश नहीं उतर रही। मेरे मोहतरम, ये हम और आप के गुनाह और बदामालियों की नहुसत है। आज हमारी शादी और ब्याह में ऐसे ऐसे रुसूमात, ऐसे ऐसे खुराफात, ऐसे ऐसे बिदआत, ऐसी ऐसी खराबियां जन्म ले रही है और पैदा ले चुकी है, तो उसे हटाना बहुत मुश्किल नजर आता है। मेरे मोहतरम, ये शादी मुबारक, शादियों के बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुन निकाही अयसरहू व अयमनहू, कि निकाहों में सबसे अफ़ज़ल, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे प्यारा निकाह वो निकाह है जिस निकाह में, जिस शादी में कम खर्च हो। आज मेरे मोहतरम, हमारे ईमान की कमी की वजह से हमारे आने वाली नस्ल, हमारी मौजूदा नस्ल के नौजवान अगर सुन्नत और शरीयत के मुताबिक शादी होनी शुरू होती है तो वो आज के इस नस्ल की नौजवानों की जबान पे उतर आती है कि ऐसा लगता है कि फकीरों की शादी है, ऐसा लगता है कि डोम चमारों की शादी है। नऊज़ बिल्लाह, हमें इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है। इस तरह के अल्फाज में, इस तरह के कलिमात बोलने में, इस तरह की बात जबान पर लाने में हमारी नस्लें, हमारे नौजवान दीन और शरीयत को पहचान नहीं, दीन और शरीयत के मिजाज को जान नहीं, इसलिए नाइलमी के नशे में आकर वो अपनी जबान पे जो कुछ बोलना चाहता है वो जबान पे ले आकर के बोल लेता है। आज आज एक मिन्नत नगर मस्जिद में एक यतीम बच्चों की शादी हुई, निकाह हुआ, न लड़के वालों का कोई खर्च, न लड़की वालों का कोई खर्च। और जिन नौजवानों के पास, जिनके माँ बाप के पास पैसे हैं, रुपए हैं, दौलत है, वो इस तौर को, इस तरीका को बिल्कुल गिना और घटिया समझता है। मैं उनसे ये बता देना चाहता हूँ कि आप ईमान की दौलत से सरफराज हैं, ईमान के घराने में पैदा हुए हैं, ईमान वाले हैं, आप
शरीयत और सुन्नत की जानकारी लें, शरीयत और सुन्नत की जानकारी लें कि शादी ब्याह हमें किस तरह करनी चाहिए। और सबसे बड़ी लानत इस बात की है कि इस शादी ब्याह के अंदर जो लेन देन का मामला है ये तो और ही ज्यादा तमाम शादियों को मुश्किल में डाल दिया। और मैं ये नहीं कहता कि जो शादी में डिमांड करते हैं, जहेज लेते हैं, वही इस जहेज के रवाज देने में मुलव्वस हैं। मैं इस कौम और मिल्लत के तमाम उलमा से, इस कौम और मिल्लत के तमाम नमाजियों से, इस कौम और मिल्लत के तमाम जमात में घूमने वाले जमातियों से मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, आपको मालूम रहता है कि फलाने बेटे बेटों फलाने बेटों की शादी की है और उसमें इतना लाख रुपए नकद लिया है और उसी नकद लिए हुए रकम से वो बाप का बेटा दावत करता है, आपको बुला करके खिलाता है, आप नमाजी होने की हैसियत से, आप हाजी होने की हैसियत से, आप जमात में घूमने वाले जमाती होने की हैसियत से कभी आपके दिल पर, कभी आपके सोचो ख्याल में ये बात आती है कि मैं किस तरह हराम का खाना जाकर के खाऊं, कभी उतरती है ये बात? अगर हमारे नमाजी तबका, हमारे उलमा की टीम, हमारे हुज्जाजो किराम अगर उसके खाने में जाने से एतराज करें, उनके बुलाई हुई दावत में जाने से गुरेज करें, जाने को अपने आप को तैयार न रहें, किसी न किसी बहाने से उसके यहाँ जाने को बिल्कुल अपने आप को मना कर लें, तो यकीन मानिए कम दिनों में ये सुन्नत जहेज का रिवाज खत्म हो जाए। मेरे मोहतरम, बुराइयों का असर, बुराइयों की नहुसत बड़ी तेजी से फैलती है, बुराइयों की बेबरकती बड़ी तेजी से असर अंदाज करती है। मैं आपको मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ, वो मिसाल इस तरह से है, आज का ये मजलिस, आज की ये जो मजलिस सजी है, इस मजलिस में हम बड़े हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर दिल खैराबादी तशरीफ फरमाए, और ये इलाका कानों कान, इस इलाकों में दिल खैराबादी की आवाज कानों को मिल चुकी होगी, लेकिन आज इस मजलिस के मजमा को देख लें, कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी तादाद में ये मजलिस है, अंदाजा लगाएं। इसी इन्हीं की जगह अगर कोई नाचने वाली तवाइफ और हीरो हीरोइन का कोई नाम सुन लेता तो इस समाज और इस मुआशरे के तमाम नौजवान सैलाब की तरह उमंगता हुआ नजर आता, बड़ी भीड़ होती। ये देखिए बुराइयों का असर किस तरह असरअंदाज हो रही है, कितनी जोर से फैलती है, लेकिन ये नेक आदमियों के नाम सुनकर कितने हजरात तशरीफ फरमा होंगे। मेरे मोहतरम, आज हमारी कौम की ये हालत हो गई है कि आज से बहुत जमाना पहले कौम बनी इसराइल की गुजरी है, बनी इसराइल की कौम याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, उस कौम के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कि आप बचपन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये ऐसे नबी हैं जो दुनिया के सबसे बड़े जालिम, दुनिया के सबसे बड़े जालिमों, बर्बरियत के इस जहां में बर्पा करने वाले फिरौन, जो अपने आप को खुदाई दावा किया, قال انا ربكم الاعلى کہ اے قوم ملت کے لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, ऐलान कर दिया। कुरान ने उस फिरौन के ऐलान को कुरान में नाजिल कर दिया कि इतने बड़े जालिम थे, इतने बड़े
ज़ालिम इस दुनिया में न मालूम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अभी के उलमा ने ये बात कह रही है कि फिरौन ही जैसा ज़ालिम हुक्मरान हम हिंदुस्तान के बने हुए हैं। मेरे मोहतरम, मैं आपको बताऊं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में पैदा हुए थे तो मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले पहले काहिन ने फिरौन को एक बात बता दी कि ए फिरौन, तुम जो बहुत बड़े बादशाह, बहुत बड़े हाकिम और मालिक बने हुए हो, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा, जो बच्चा तुम्हारी हुकूमत को अपने हाथ से छीन लेगा। अब ये बात फिरौन को मिल गई, फिरौन बेचैन हो गया कि मैं इतने बड़े आदमी, इतना बड़ा बादशाह, इतने बड़े हाकिम और मेरे ही सामने पैदा हुआ बच्चा वो हमारी हुकूमत को छीन लेगा। अब उस वक्त ये ऐलान कर दिया फिरौन ने कि आज के दिन से बनी इसराइल की कौम में कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसे कत्ल कर दिया जाए। ऐलान हो गया फिरौन की तरफ से, ऐलान हो गया कि कोई भी बच्चा अगर बनी इसराइल की कौम में नस्ल में पैदा होता है तो उन बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। फिरौन के लश्कर, फिरौन के फौज और कमांडर पूरे इलाके में, पूरे देश में फैल चुके हैं, खबर और तलाशी ले रहे हैं। जहां कोई बच्चा पैदा होने की खबर मिलती फौरन उस बच्चे को ज़बह कर दिया जाता, लड़कों को ज़बह कर दिया जाता और लड़कियों को छोड़ दिया जाता। चूंकि फिरौन थे बहुत बड़े हाकिम और बहुत बड़े बादशाह थे, उनका हुक्म हो फौज के साथ, कमांडर के साथ और उस पर अमल न करें, हजारों बच्चे कत्ल हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी असना में, उसी दरमियान में पैदा हो गए। देखिए फिरौन के कमांडर, फिरौन के फौज, फिरौन की पुलिस हर तरह तलाशी ले रही है और जो मर्द मुदक्कर बच्चा पैदा हो रहा है हर एक को कत्ल कर दिया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त पैदा हो गए। आता है रिवायतों के अंदर तीन माह तक मूसा अलैहिस्सलाम उसी असना, उसी माहौल में पड़े रहे। उनकी माँ उनकी हिफाजत करती रही, बचाती रही। उनकी माँ आसिया के ज़हन और दिमाग में हमेशा खौफ और हराश थी, हमेशा डर रही थी कि ना मालूम किस दिन हमारे इस बच्चे को उछक ले, किस दिन हमारे इस बच्चे को भी कत्ल कर डाले। लेकिन अल्लाह जिसकी हिफाजत करता है उसे कौन उछक सकता है। जब उनकी माँ मूसा अलैहिस्सलाम की माँ डरने लगी, खौफ आने लगी, बेचैन हो गई डर से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में डाल उतारा है, कुरान में फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसिया को के ज़हन और दिमाग में बात डाली कि ए आसिया, तुम अपने बच्चे मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में बंद करो और उस ताबूत और संदूक को दरियाए नील में डाल दो। ये हुक्म हो रहा है बीवी आसिया को, ये हुक्म हो रहा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी को। मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी परेशान है,
जब ये हुक्म मिला है, जब अल्लाह ने उनके दिल में ये बात आई है, उनके ध्यान में अल्लाह ने जब उतारी है ये बात, तो वो डर रही है कि मेरा बच्चा संदूक में कैसे जिंदा रह सकता है। न उसको कोई पानी पिलाने वाला होगा, न उसको कोई दूध पिलाने वाला होगा, न उसको कोई देखने वाला होगा, फिर दरिया में वो कैसे बच सकता है। उसे यकीन नहीं हो रही थी, उसे दिल में इत्मीनान नहीं हो रहा था कि कैसे हम अपने बच्चे को संदूक में बंद कर दें। कुरान ने तफसील से बयान फरमाया है, चुनांचे हजरत मूसा अलैहि सलाम की बीवी, उन्होंने हजरत मूसा अलैहि सलाम को ताबूत में संदूक में डाल देते हैं और उस संदूक को दरिया नील में डाल देते हैं। वो संदूक तैरता हुआ, अपनी जबान में हेलता हुआ दरिया नील में चक्कर लगा रही थी, घूम रही थी। फिरौन की बीवी आसिया उस संदूक को देखकर बोलती है कि वो क्या है, वो कोई सिल है लकड़ी का या कोई और चीज है। उनके रियाया, उनके फौज ने देखा, सबने ये कहा कि लग रहा है कोई संदूक है, बॉक्स है। लेकिन फिरौन कहता था नहीं, वो एक चेला है, वो एक लकड़ी है जो भस करके आई हुई है। लेकिन गौर से देखा गया तो एक संदूक है।